सुप्रभात बच्चों, कक्षा तृतीय तीसरी कक्षा विषय हिंदी पाठ सात का व्याकरण आज हम देखने वाले हैं। पाठ सात में व्याकरण है प्रत्यर्थ वाले शब्द मंजू सा से लेकर चांद तक की। आपको सूची में प्रत्यर्थ वाले शब्द दिए जाते हैं। शब्द दिए जाते हैं उसके प्रत्यर्थ वाले शब्द लिखने होते हैं। अपोजिट मीनिंग प्रत्यर्थ वाले शब्द की व्याख्या क्या है या उल्टा बात सुगम दुर्गम
दुख सुख गुलामी आजादी, गुलामी आजादी, मीठा कड़वा, मीठा कड़वा, आशा निराशा, आशा निराशा, मित्र शत्रु, मित्र शत्रु, स्वदेश परदेश, स्वदेश परदेश। उसके बाद देखिए और कैसा शब्दों की सूची है, देवता देवता भगवान राक्षस उल्टा उल्टा शब्द दानव, उचित योग्य उचित योग्य अनुचित अयोग्य योग्य अयोग्य, धर्म अधर्म धर्म अधर्म, धरती आकाश धरती आकाश, सरल कठिन सरल कठिन, स्वतंत्र परतंत्र स्वतंत्र परतंत्र। देखा आपने देवता राक्षस उचित अनुचित, धर्म अधर्म धरती आकाश, सरल कठिन सरल कठिन, स्वतंत्र परतंत्र स्वतंत्र परतंत्र। देखा उसके बाद है आना जाना, आना जाना, आदि अंत, आदि अंत, ताजा बासी, ताजा बासी, सुगंध दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध, अमृत विष, अमृत विष, उपस्थित अनुपस्थित, उपस्थित अनुपस्थित, मौखिक लिखित। अब और भी कई सारे हैं, देखिए मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। अमृत विष, अमृत का उल्टा कर देने वाला शब्द क्या है, विष, सुगंध दुर्गंध, सुगंध का उल्टा कर देने वाला शब्द क्या है, दुर्गंध, अंदर अंदर बाहर अंदर बाहर, आयात आयात इंपोर्ट मंगवाना, निर्यात भेजना एक्सपोर्ट, महंगा सस्ता, महंगा सस्ता, आदि अंत, आदि का विलोम शब्द क्या है, अंत है, सख्त सख्त कठिन नरम मुलायम, सख्त नरम सरल कठिन, सरल का उल्टा कर देने वाला शब्द क्या है, कठिन, साहसी कायर, साहसी कायर, सुपुत्र कुपुत्र, सुपुत्र कुपुत्र, ताजा बासी, ताजा बासी, स्वतंत्र परतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र, स्वदेश परदेश, स्वदेश परदेश, देवता राक्षस, देवता राक्षस, शीतल उष्ण, शीतल उष्ण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, धर्म अधर्म, धर्म का उल्टा करने वाला शब्द क्या है, अधर्म, धरती आकाश, धरती आकाश, मौखिक लिखित, मौखिक ओरली लिखित राइटिंग, आकाश का उल्टा करने वाला शब्द है पाताल, आकाश पाताल, अनुकूल
पढ़ना घटना नया पुराना असली नकली उन्नति अवनीति दुराचार सदाचार पाप पुण्य रोगी निरोगी भूत भविष्य लाभ हानि पवित्र अपवित्र गुण अवगुण प्रातः सायं पक्का कच्चा पक्ष विपक्ष प्रकट गुप्त गहरा उथला तीव्र मंद आदर अनादर आय व्यय राजा रक्त कटु मधुर धन निर्धन कृतज्ञ कृतघ्न खरीद स्वाधी पराधी खिलना मुरझाना इस तरह से कई सारे शब्दों की हमने क्या देखी सूची देखी। तो उनके अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द या अनुलोम शब्द कहते हैं। पाठ्यपुस्तक में कुछ शब्द है जो हमने यहाँ पे चार कहे थे प्यार अनुमान ध्येय व्य अधेय सुंदरता बदसूती अत्याचार सदाचार विरोध सहमति न्याय अन्य सुख दुख गुलामी आजादी मीठा कड़वा आशा निराशा मित्र शत्रु स्वदेश परदेश देवता राक्षस उचित अनुचित धर्म अधर्म धरती आकाश सरल कठिन स्वतंत्र परतंत्र आना जाना आदि अंत तादाद बाधि सुगर दुर्गन अमित विष उपस्थित अनुपस्थित मौखिक लेखी। इस तरह से क्या है उनके अर्थ देने वाले शब्दों की सूची है। आप इसको पढ़िए और बार बार लिखिए ताकि आपको इसका सलाह हो जाए। तो इस तरह से हमारा पाठ का व्याकरण उनके अर्थ वाले शब्द हमने देखे। तो आप इसका घर पर जरूर जरा सलाह जरूर कर घर पर करिएगा और इसका अभ्यास करिएगा। तो आशा करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।